गुड मॉर्निंग और चाय पी लो। यस गुड मॉर्निंग इसके लिए बोल रही हूँ क्योंकि अभी मेरी गुड मॉर्निंग हुई है, यूजुअली तुम सबकी शाम हो गई होगी। और देख रहे हो मस्त सनलाइट आ रही है मेरे रूम से, बट ये सनलाइट जब भी कब कब मतलब बोलते हैं ना कब अच्छी लगती है, जब सुबह के 7 बजे या 8 बजे ऐसी सनलाइट आवे ना तो बहुत बेनिफिट देती है अपने बॉडी को। बट कुछ नहीं, वैसे तो हैप्पी धनतेरस, आज है धन का दिन और धनतेरस। अभी मैं उठी हूँ, बहुत सारा काम करना, और तुम लोगों को पता है मेरे मुंह में ना बहुत अल्सर हो गया है, देख रहे हो पूरा मुंह लाल हो गया है, और मुझे आज पानी पूरी भी खानी है क्योंकि बेस्ट मेडिसिन है। मम्मी कहती है कि अल्सर हो गया हो तो पानी, मेरा ना गला वाला भी सूज गया है थोड़ा बहुत, कैसे बताती हूँ रुको। चलिए चाय का कप मैंने हाथ में पकड़ा था तो हो नहीं रहा था, देख रहे हो थोड़ा सा वो अल्सर है ना इधर तक हो गया है मेरे को, तो बहुत 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 प्रॉब्लम दे रहा है। फिलहाल तो चाय पी रही हूँ, चाय पीने भी नहीं हो रहा, अब देखते हैं। तो अभी मस्त तो रेडी हो जाऊँगी मैं, रंगोली बनानी है, डैडी को बोला है लाइटनिंग्स लेके आने। अब पता नहीं डैडी का एक, हमारा डैडी है ना कैसे पता है, एक घंटा बोलेंगे ना तो 2 घंटे के लिए गायब होते हैं। हाँ 2 घंटा 3 घंटा, अभी देखो शाम के 6 बजने आ रहे हैं, ठीक है तो अभी तक उनको लाइटनिंग्स लगानी चाहिए, पता नहीं किधर। अब मुझे ना उनको फ़ोन करके बोलना पड़ेगा भाई जल्दी आ जाओ, लाइटनिंग्स लगानी है। अब मैं रंगोली तो बना लूँगी, मेरे को रंगोली आती नहीं है बनाना, ठीक है फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे नहीं आती, बट मैं वो जो आते ना अपन क्या बोलते हैं स्टेंसिल टाइप्स ऐसे कुछ बोलते हैं ना अपन, तो वो घर पे लेके आओ, तो उसके ऊपर सिर्फ कलर डालना है और हो गए टना हो गई रंगोली। तब मैं वो सब बनाने वाली हूँ, तो जल्दी बना के फिर रेडी होके अच्छे से रेडी होना है मुझे, जाऊँगी पानी पूरी खाने मम्मी को लेके, देखते मम्मी आएगी कि नहीं, उनका हाथ का दर्द भी है। पानी पूरी खा के आएंगे मैं और मम्मी, और दिए लगाने शाम को 7-8 बजे दिए लगाएंगे, और थोड़ी लक्ष्मी जी की पूजा कर लेंगे आज के दिन पे। आज के दिन पे यूजुअली मतलब होते ना वो धन वैसी सब चीज़ें होती है, तो पूजा थोड़ी बहुत कर लेंगे, देखते अभी है और फिर ऑफिस, चलो देखते फिलहाल चाय पी लूँ। ओके गाइस सो आई एम डन विथ माय टी। अभी है ना, ये देखो किसको भौंक रहा है अभी, ये किसको भौंक रहा है ये, हाँ क्यों भौंक रहा है तू, क्यों आते जाते लोगों को छेड़ रहा है, हाँ चल आज रंगोली बना दे आप, मैं रंगोली बनाती हूँ तू रंगोली खराब करना, ठीक है हाँ ना जब भी बनाती हूँ तभी पहले बाहर निकलता है, उसको पता है रंगोली बनाना है पहले निकलता है बाहर। सब मैं रंगोली का सामान ढूंढती हूँ, कहाँ रखा है ढूंढना पड़ेगा, याद ही नहीं है मेरे को तो। गाइज ये देखो, ये हमारे बाजू वाले आंटी की रंगोली, अब मैं यहाँ पे बनाऊँगी मेरी रंगोली। और अब मैं देख रही हूँ सब ने दिए हुए बनाए, इधर भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी प्यार वाले दिए है दिए दिए। आई एम ऑल सेट, ये देखो ये है मेरे कलर्स, और मैं शुरू कर रही हूँ, मैंने एक बनाया है मैं आपको बताती हूँ। और ये देखो काइंड ऑफ दिस, तो मैंने क्या किया आप लोग को मतलब यार यहाँ पे पूरे इंडिया में सब जगह पे हर जगह पे हर घर घर में कोई ना कोई रंगोली आर्टिस्ट है, ठीक है मैं तो नहीं हूँ बट मेरे पास तो है ना ये सब चीज़ें ऐसी वाली, ठीक है ऐसी, तो ये ना बहुत सारे हैं मेरे पास, तो मैं सोच रही हूँ डुअल कलर में बना दूँ, आधा में कोई और कलर करूँ आधा में कोई और कलर करूँ, ऐसा मैं सोच रही हूँ। तो फिलहाल तो मैंने वो एक बनाया है, एक अभी मैं यहाँ पे बनाऊँगी, यहाँ पे देख रही हूँ यहाँ पे एक बनाऊँगी, और बाकी देखते कौन से कलर से बनते, थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगना चाहिए ना घर पर कोई आ रहा है तो, चलो मैं देखती हूँ कैसे बना दूँ। ये देखो गाइस मैंने बनाई है रंगोली, मैंने इधर तक लेके आई हूँ, तो मैंने क्या किया आप लोग को मतलब यार यहाँ पे पूरे इंडिया में सब जगह पे हर घर घर में कोई ना कोई रंगोली आर्टिस्ट है, ठीक है मैं तो नहीं हूँ बट मेरे पास तो है ना ये सब चीज़ें ऐसी वाली, ठीक है ऐसी, तो ये ना बहुत सारे हैं मेरे पास, तो मैं सोच रही हूँ डुअल कलर में बना दूँ,
आधा में कोई और कलर करो, आधा में कोई और कलर करो, ऐसा मैं सोच रही हूँ। तो फिलहाल तो मैंने वो एक बनाया है, एक अभी मैं यहाँ पे बनाऊँगी, यहाँ पे देख रही हूँ, यहाँ पे एक बनाऊँगी और बाकी देखते कौन से कलर्स होते हैं। थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगना चाहिए ना, घर पे कोई आ रहा है तो। चलो मैं देखती हूँ कैसे बनाती हूँ। ये देखो गाइस, मैंने बनाई है रंगोली, मैंने इधर तक लेके आई हूँ। तो फाइनली मेरी बन गई रंगोली, थोड़ी बहुत भी नहीं बोल सकते, देख रहे हो आप ये सब। सो अभी टाइम हो गया, ए अभी तक पापा का कोई ठिकाना नहीं, पता है पापा कब आएंगे पता ही नहीं हमको, कब आ रहे हैं। मेरे को बोला अभी 15 मिनट और मैंने उनको फ़ोन करके आधा घंटा हो गया, अब देखते कब आएंगे पापा। देखो मैं उठाती हूँ, मत उठाओ। ओके गाइस, सो मैं रेडी हूँ। आज है ना, मैंने मेकअप वेकअप कुछ नहीं किया क्योंकि मेरी स्किन है ना आज थोड़ी अच्छी लग रही है। और अभी मैं जा रही हूँ पानी पूरी लेने के, देखो बस दिख रही हूँ ना मैं, क्योंकि मेरे को ना अभी भी बोलने नहीं हो रहा है, लिपस्टिक भी नहीं लगा पा रही हूँ मैं, कुछ भी नहीं लगा पा रही हूँ। चलो लेट्स सी, लिफ्ट का वेट कर रही हूँ कब लिफ्ट आवे। क्यों ना नीचे आके कितनी खुशी हो रही है मेरे को, खुशी इसके लिए हो रही है, देख रहे हो हर जगह लाइटनिंग्स की, मेरा विंग है यहाँ पे, लाइटनिंग्स यहाँ पे। ये लोग ने ना ऐसी छोटी छोटी लाइट लगा ताकि पूरी बिल्डिंग में ना इतना अच्छा रिफ्लेक्ट। मैं आपको पीछे बताऊँ, ये देख रहे हो रेड पिंक ब्लू सब लाइटनिंग्स चेंज हो रही है। मैं ना एक बार आपको जो एरिया में मैं रहती हूँ ना वहाँ का टूर कराऊंगी, क्योंकि ये टाइम है ना इतना खूबसूरत दिखता है ना कि आपको है ना मेरे एरिया से ना प्यार हो जाएगा, इतना प्यार दिखता है ये टाइम पे। वाह, और हर जगह पे ना बिल्डिंग में लाइटनिंग्स लगाई है, कितना प्यारा लग रहा है यार। ये देखो सबके घर में लाइट्स एंड ऑल। हाँ मतलब मीठा और तिक्का, हाँ मीठा भी चाहिए। इट्स टाइम फॉर पानी पूरी। सो मैंने अभी जस्ट पानी पूरी का पार्सल लिया। एक्चुअली सीन क्या है, मैंने सोच रही थी मैं यहाँ पे खा लूँ, बट यार मेरे को कंपनी देने के लिए कोई है ही नहीं, मम्मी नहीं है, इंदर नहीं है, पापा नहीं है, कोई भी नहीं है, सो आई एम द ओनली वन। फिर मैंने सोचा यार पार्सल लेके घर पे जाके मम्मी के साथ खाऊंगी, और वैसे भी आज धनतेरस है तो फैमिली के बिना अकेले मज़ा ही क्या, फैमिली तो होनी चाहिए राइट। यार दिवाली एक ही फेस्टिवल है जहाँ पे एक्चुअली हर फेस्टिवल में फैमिली चाहिए, फैमिली रहती है ना तो मज़ा आता है, घर पूरा भरा भरा लगता है। और आज के दिन पे दिवाली के दिन पे सब कजिन्स वजिन सब लोग रहते हैं, बातें होती है, मिठाइयाँ, फिर बोलते हैं ना फरसान, अच्छे अच्छे पकवान, कितना कुछ खाने मिलता है। और चारों तरफ है ना दिए लगे हुए होते हैं, एक कोना भी है ना आपको ऐसा बगैर अंधेरा नहीं लगना चाहिए, ठीक है। दिया हर जगह होता है, हर एक कोने में होता है, इतनी अच्छी और ब्यूटीफुल वाइब्स मिलती है ना दिवाली के दिन, क्या बताऊँ। मेरे को तो बहुत पसंद है दिवाली फेस्टिवल, क्योंकि अगर आप मेरा एरिया भी देखोगे, देख रहे हो हर जगह लाइटनिंग्स लगाई हुई है, हर एक शॉप में, हर एक बिल्डिंग में सब लाइटनिंग्स है, लाइटनिंग्स। अच्छी वाइब्स आ रही है यार। अब है ना मुझे ना मेरे मुंह का अल्सर ठीक करना है, बिकॉज दिवाली में मेरे को बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें खाने मिलती है। दिवाली का भी और 2 दिन है, आज तो धनतेरस है और 2 दिन दिवाली है, फिर मैं ना अच्छी अच्छी चीज़ें खा नहीं पाऊँगी, क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली नहीं, मम्मी ने अभी पॉपकॉर्न बनाए थे यार, पॉपकॉर्न तक तीखे लगे, बिकॉज वो कैसे होते ना छील जाता है, ठीक है, तो वो खुद मेरे को ऐसे तीखे वीखे लगे, बट पॉपकॉर्न एक्चुअली तीखे नहीं लगने चाहिए, बट पता नहीं सब टिक्का टिक्का लग रहा है। अब देखते हैं ये पानी पूरी क्या जादू करती है, लेट्स सी। यू नो व्हाट, आज के दिन पे लोग नए नए कपड़े पहनते हैं और बहुत सारी चीज़ों की शॉपिंग करते हैं, ठीक है, क्योंकि धनतेरस है, बहुत बहुत अच्छा दिन माना जाता है। बट आज अभी है ना बज रहे 8:30 आई गेस, ठीक है,
मैं ना फटाकों की आवाज़ मिस कर रही, पता नहीं शायद पब्लिक लेट हो गई या फिर मैं जल्दी हो गई, क्योंकि फटाके फूटने चाहिए धूम धाम, वही मतलब बोलते हैं ना ऐसे लगना चाहिए यार प्रॉपर दिवाली। बट आई मिस द वॉइस, लेट्स सी। मेरे को ना इधर रोड में पार्क में तो एक्चुअली नहीं फोड़ेंगे, बट बिल्डिंग के बाहर भी कोई बच्चे दिख नहीं रहे जो ऐसे फटाके फोड़े। बच्चे तक नहीं है यार, बच्चे लोग लाइक यू नो वो गन चलाते रहते हैं, आज वो भी तक नहीं दिख रहे मेरे को। लेट्स सी, थोड़ी सी भी आवाज़ नहीं है, वरना तो कैसा होता है ना कि जहाँ जाऊँ वहाँ पे संभाल के जाओ कहीं से रॉकेट ना निकले, कहीं पे रस्सी बॉम्ब ना डाल दे वे, यू नो ऐसे सोच समझ के चलना पड़ता है रोड पे, ऐसा चीज़ हो रहा है। देखते अभी कहाँ है ये देखो सब लोग कुछ ना कुछ जला रहे हैं, बच्चे लोग जल जा। कलर कलर के इफेक्ट्स दिख रहे हो, इतने प्यारे लग रहे, देख रहे हो। तो यहाँ पे ब्लू लाइट लगाई है, नहीं एक्चुअली यस ब्लू थी, अभी जो आएगा वो होगी पिंकी शाइन पर्पल, ठीक है। फिर बीच में आ जाएगी एक वाइट लाइट और एक ब्लू, मतलब इस तरह सोसाइटी डेकोरेट, देख रहे हो पीछे मेरे पीछे बच्चे लोग जला रहे। तो अभी थोड़ा दिख रहा है तो शायद मैं जल्दी हूँ, अभी रात तो बाकी है। ये मैं घर पहुँच गया और फाइनली पापा ने घर पे लाइटनिंग कर दी, देख रहे वाओ ये टिंग 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 टिंग। हैप्पी दिवाली, हैप्पी धनतेरस, हैप्पी दिवाली। तू क्यों नाचे जा रहा है, हाँ तू क्यों नाचे जा रहा है बता, ये नाचे जा रहा है, ये एक्साइटेड हो जाता है ना। मैं कुछ इस तरह हरकतें करती हूँ ना, हैप्पी दिवाली हैप्पी धनतेरस इस तरह हरकतें करती हूँ ना, ये नाचा रहता है, देखो फुल नाचते रहता है ये। सो बैक टू नॉर्मल, मैंने अभी नॉर्मल कपड़े पहने हैं और मम्मी पानी पूरी ला रही है, मैं पानी पूरी खाऊंगी उसके बाद क्या करेंगे, थोड़ा काम है ख़त्म करके देखते रात को डिनर। मेरा डिनर है ना एक बहुत मुसीबत है यार, रात को 2 बजे होता है क्योंकि ऑफिस है, ऑफिस से छुट्टी नहीं मिली है, दिवाली के दिन भी हम काम कर रहे हैं तो देखते हैं। बट मेरा ऑफिस है रात को 11:30 बजे, तो तब तक देखते हैं कुछ करते हैं। फिलहाल तो है ना मुझे पापा ने जो लाइटनिंग की है ना बहुत अच्छी लग रही है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि मैं ना यहाँ पर बैठ जाऊँ नीचे, यू नो ऐसे ऐसे पलाठी वार के ऐसे बैठ जाओ और यहाँ पे मैं और मम्मी पानी पूरी खाए, देख रहे हो ब्रूजो को, देख रहे हो खुद चमक रहा है मेरा ब्रूजो, क्योंकि इतना अच्छा लग रहा है ना ऐसे बैठे बैठे। ये थोड़ा है ना, हाँ यस बाजू में ना थोड़ा मैसी है, तो सोच रही कल ना इसको क्लीन करके ना तो मैं और मम्मी इधर बैठ के खा सकते हैं आराम से, ऐसे चादर बिछा के फुल मस्त वाली फीलिंग आ रही है। और ये देखो दिख रहा है इसको, पत्ते खा रहा है पत्ते, क्योंकि इसका पेट वेट डूबता रहता ना तो ये पत्ते खाता है, पागल हो गया है बुजो। पानी पूरी तू खाएगा पानी पूरी, तेरे को थोड़ी पसंद है, तू खाता है पानी पूरी, खाता है। गाइस जस्ट पानी पूरी खाया, देख रहे हो पूरा लाल लाल हो गया। और अभी मैं दिए रेडी करूँगी, अभी दिए लगाऊंगी घर में। चलो मम्मी दिए लगा लो, दो के रखे थे मैंने, दो किधर है, दो ही लगाने फिलहाल आज, ओके बाहर और ओके इधर ही है क्या, ओके फिर कल से ज़्यादा दिए लगा लेंगे, आज घर पे दो दिए देखिए छोटे से प्यारे से। पहले बचपन में ना मैं दिए को कलर करती थी, और कौन सा कलर करती थी पता है मम्मी, हाँ? वो बचपन में ना दियो को कलर करती थी, हाँ। कौन सा कलर करती थी वो वाटर कलर आते ना वो वाले कलर करती थी, बहुत अच्छे लगते थे मेरे को, बिगाड़ देती थी बात अलग थी, बट ऐसे ऐसे सीखती रहती थी करते रहती थी मैं। यस सो इट्स टाइम फॉर द दिया, ये देखो फिलहाल मैं घर के बाहर रख रही हूँ। मम्मी बोली कि बाकी बहुत सारे दिए लेके आए हम लोग,
वो हम कल कल से घर पे रखेंगे, क्योंकि ये दिए को है ना भिगोना पड़ता है थोड़ा पानी में, उसके बाद होगा। तो अब मैं जा रही हूँ, बहुत संभाल संभाल के जा रही हूँ, क्योंकि जो ऑयल होता है ना गिरे ना। यस, मैं इसको थोड़ा लगा दूँ अच्छे से। देख रहे हो मैं पूरी मस्त दिख रही हूँ, मस्त नहीं मतलब ऐसे ऑरेंज लाइट आ रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है हमारे सोसाइटी पे। ये देखो कितना प्यारा लग रहा है मेरा दिया, वाह।